नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आप सभी दर्शकों को दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज धनतेरस के मौके पर आपके लिए खुशियों से भरा यह पर्व हो, इसी कामना के साथ खबर 100 की टीम आपको खुशियों के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इसी के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में राग भोपाली प्रदर्शन का हुआ लोकार्पण। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काटा फीता, स्थानीय कला और उत्पादों को बढ़ावा देने की कही बात। 5 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारियां हुई पूरी। कुबेर के खजाने में तब्दील हुआ रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर, दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम, हाई वोल्टेज साउंड के साथ लोगों ने मनाया जश्न। कार्यक्रम में 300 कलाकारों ने दी सुंदर प्रस्तुतियां। बीते दिन मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के 10 नंबर मार्केट में राग भोपाली प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश की स्थानीय कला और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सीएम की माने तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग विशेषताएं हैं, ऐसे में एक जिला एक उत्पाद नाम दिया गया है। हर जिले से एक उत्पाद रखेंगे और सभी को रोजगार दिलाएंगे। हर एक के एक उत्पाद को हमने चयनित किया है और उनको कैसे हम और बेहतर बना के उनका प्रचार करके प्रमोशन करके वहाँ की पहचान भी बनाए और वहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ाए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। भोपाल में तय किया जरी और जरदोजी के काम को, जो भोपाल की पुरानी विरासत और परंपरा है। मुझे खुशी है कि राग भोपाली कार्यक्रम के तहत आज यहाँ एक स्थायी विक्रय केंद्र बना है। हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को ट्रेनिंग दी जा रही है और वो खुद जरी जरदोजी के काम में पारंगत होके अनेकों प्रकार के अलग अलग उत्पाद बना रही है। मार्केट सर्च भी कर रहे हैं कि जो चीज़ बिके वो ही बनाए, और आम जन के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों को भी जोड़ रहे हैं कि तुम्हें कैसा सामान चाहिए हम बना के देंगे। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सोमवार को हापुड़ जनपद में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ। इस दौरान डिप्टी सीएम का फूलों से जोरदार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि हापुड़ में भाजपा के महत्वपूर्ण सम्मेलन में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य नेता हापुड़ पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी में होने वाले आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम जो क्षेत्र है उसकी हमारे जो मंडल के अध्यक्ष और प्रभारी हैं उनकी बैठक है और उसी बैठक की दृष्टि से आज यहाँ पर आना हुआ। देखिए, अभी जो आगे की योजना उसकी चर्चा बैठक में होगी, बैठक के बाद आपको उसकी सूचना देंगे, लेकिन अभी तो हम लोग बैठक के लिए आए हैं। लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा, जो कल श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बन करके देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है, देश की को आज़ादी दिलाने वालों का अपमान किया है, और इसके लिए उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया, उन्हें देश से। रतलाम के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में 5 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई है। दरअसल इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि यहां धनतेरस से भाई दूज तक अपना धन रखने से उनमें कई गुना वृद्धि होती है। यही कारण है कि धनतेरस से 5 दिनों तक कई श्रद्धालु अपने धन और ज्वेलरी को महालक्ष्मी मंदिर में लेकर आते हैं। ऐसे में मंदिर में इतनी नकदी और ज्वेलरी इकट्ठा हो जाती है कि 5 दिनों के लिए मंदिर कुबेर के खजाने में तब्दील हो जाता है। इन 5 दिनों में इस खजाने को देखने के लिए न सिर्फ शहर बल्कि अन्य जिलों से भी लोग रतलाम पहुंचते हैं।
आज धनतेरस के मौके पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि 5 दिनों तक भक्तों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ऐसे में भक्तगण बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी आस्था और सभी का मनोकामना पूर्ण होती है, यही लक्ष्मी जी के मंदिर की खासियत है। यहाँ पे बाहर से विदेश से काफी पैसा आता है और सब कुछ अच्छा लगता है यहाँ पे, और हम हमारे परिवार से सब पूरा परिवार और सभी को लेके यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। धनतेरस पर्व के साथ ही पूरे प्रदेश भर में, देश भर में दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। हम कई वर्षों से यहाँ पे आते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो पहला मुहूर्त होता है 4 बजे 5 बजे, और यहाँ पूरे देश भर से कई प्रदेशों से लोग आते हैं, आस्था का सैलाब है उनके साथ। दीपावली का महत्व है, सभी घर में महालक्ष्मी जी की पूजा पाठ होती है। रतलाम में भी एक ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की स्थापना है। यहाँ राजा महाराजाओं के टाइम से परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पे महालक्ष्मी जी के श्रृंगार के पूजा पाठ होती थी खजाने की। अब राजा महाराजे नहीं रहे, अब ये पब्लिक द्वारा खजाने की पूजा पाठ होती है, श्रृंगार होता है, और ऐसी है कि भाई अपना खजाना वापस उनको दे दिया जाता है। सोमवार को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ लाल परेड ग्राउंड पर हाई वोल्टेज साउंड और आकर्षक साज सज्जा के साथ स्थापना दिवस पर जश्न मनाया गया। इस दौरान देखने में आया कि 300 कलाकारों ने नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां दी, तो वहीं सिंगर मोहित चौहान ने एक से बढ़कर एक गीतों से समा बांधे रखा। गौरतलब है कि प्रदेश में 2 सालों के बाद इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कोविड के चलते 2 सालों तक स्थापना दिवस नहीं मनाया गया था, लेकिन बीते दिन जब कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो मैदान पर मौजूद हर व्यक्ति झूम रहा था। देर रात तक मोहित चौहान के गीतों पर लोग झूमते हुए और नाचते हुए नजर आए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इंदौर शहर के एक बड़े कारोबारी की इंजीनियर बेटी की शिकायत पर विजयनगर पुलिस ने उसके पति और ससुर को पुणे से गिरफ्तार किया है। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वाले उसे कुछ अलग तरह की दवाई दे रहे थे और दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। टीआई तहजीब काजी के मुताबिक पीड़िता पुणे की आईटी कंपनी में जॉब करती थी, तभी साथ काम करने वाले से दोस्ती के बाद दोनों ने 2013 में शादी कर ली थी और दोनों पुणे में रहने लगे थे। उस दौरान सोने चांदी के जेवर सहित लाखों रुपये दहेज में दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके पीड़िता को प्रताड़ित किया जा रहा था। ऐसे में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति और ससुर को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। 499, 406 उसके आधार पर तो आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। मामला न्यायालय पेश किया गया था, पीआर लिया था, आज पुणे पेश किया गया था। सर किस तरह की प्रताड़ना देते थे ये? मानसिक रूप, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, फिर बाद में उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ आयुर्वेदिक दवाएं ऐसी देते थे कि जिससे उनको शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, तो वो दवाएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर हंड्रेड, जनता की बुलंद आवाज़।